दर्द और वेदनाएं सबके अंदर भरी होती है, लेकिन क्या इसको कम करने के लिए कोई काम करता है, या इसको दूर करने के लिए कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ा है? आज तक बढ़े तो बहुत लोग हैं, दिखे भी हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। पक्षियों पे आज का हमारा ये सिलसिला चलेगा, और आज हम देखेंगे अपने गांव में कि क्या दशा है पशु पक्षियों की। बारिश हुई है, कम हुई है, मिट्टी सूखी है, मिट्टी से धूल नहीं उड़ रहे हैं, पर ज़्यादा गीली भी नहीं मिट्टी है। किसान का क्या हाल है, किसानों से भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं सोशल फैक्ट, और हमारे साथ गांव के एक भैया हैं जो कि बात करेंगे आज पशु पक्षियों पे। पहले उससे पहले आपको हम दिखा दें कि एक बगुला की मौत हो गई है, ये गर्मी की वजह से हुई है, बहुत ही दर्दनाक। अब आइए जानते हैं हमारे गांव के भैया से क्या है इसके पीछे का रीजन कि जो पशु पक्षी ऐसे मर रहे हैं। हाँ तो भैया बताइए। नमस्कार, यहाँ पशु पक्षियों की जो ये दशा है, इसकी मुख्य वजह है कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही विस्तृत रूप में काटे जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे पक्षियों के रहने के लिए जो स्थान है वो कम पड़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है जो पक्षियाँ यहाँ पे मर रहे हैं। पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, लेकिन मैं विशेष रूप से पक्षियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पौधों की कटाई एकदम ही कम करें, बहुत ही ज़रूरत हो या कुछ बहुत आपत्ति हो पेड़ पौधों से, तब उन्हें नष्ट करें। तो ऐसे ही एक भी पौधों को आप काटें, क्योंकि वो हमारा तो फायदा करते हैं, पशु पक्षियों के लिए वो एक घर है। जो आपका कभी घर उजाड़े तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही पक्षियों का भी घर पेड़ है, उसको आप काटेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, वो मरेंगे ऐसे। और पक्षियों का काम ये है कि वो सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, साथ में आपके खेतों के लिए भी बहुत अच्छे पक्षी, वहाँ कीड़े मकोड़े खा के खेत को उपजाऊ बनाते हैं, साथ ही आपको पक्षियों से बहुत लाभ होता है। यहाँ पे अगर प्रकृति ने कुछ दिया है तो उसके हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसे सुचारू रूप से जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ये मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा। हाँ, तो हमारे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज पांडे है जी। जी भैया, आप क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल मैं अपने गाँव पर आया हूँ। अच्छा, तो हमारे भैया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और यहाँ पर आए अपने गाँव में घूमने के लिए। जैसा भैया कह रहे थे कि पेड़ पौधा बहुत कम होते जा रहे हैं, तो आपको पहले हम दिखाएंगे कि हम हैं गांव में, लेकिन हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पे पेड़ पौधे दिखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, वो बगीचा जो आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पहले बहुत ही 100 पेड़ थे, लेकिन आज वहाँ 4 पेड़ हैं बस। तो हमारे भैया कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, इधर पहले बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ पौधे संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के डेट में ना मात्र रह गए। तो इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है, पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। और भैया बताइए कि इसके लिए हम क्या किया जाए, इसको प्रशासन क्या इसके लिए कोई कदम उठाई है या फिर कोई उठाना चाहिए, कोई आप सजेशन देना? प्रशासन को ये कहना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि पेड़ पौधे ना काटे जाएँ, और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि वो भी अपना विकास के लिए बहुत पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उनके द्वारा भी उनमें भी ये ध्यान देना चाहिए। गांव में जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, गांव में जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गलत पैमाने पे कटाई उटाई हो रही है, और पशु पक्षियों का भी नुकसान हो रहा है, खेतों का भी अच्छे से विकास नहीं हो रहा है। विकास करें, लेकिन ऐसी दृष्टि से करें जिससे कि किसी की हानि ना हो, आपका लाभ हो लेकिन किसी को हानि ना हो। तो हम किसी का हानि करके अपना लाभ करें ये उचित बात नहीं है। यही मेरा सजेशन है कि आप जागरूकता फैलाएं, लोगों को अवगत कराएं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो सकता है भविष्य में, भविष्य में बहुत अच्छा नहीं है अगर इसी तरह कटाई चल रही है। तो यही मेरा सजेशन सरकार को कि सरकार भी जागरूक हो और जनता को भी जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अभी बात करेंगे, अभी तो पक्षियों की बात किए हैं हम, अब आते हैं पशुओं पर। हमारे सामने भैया अपने भैंस को बाहर निकाले हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या परेशानियाँ आती हैं इस तरह अपने पशुओं को बाहर निकालने में, और बारिश नहीं हो रही थी तो क्या प्रॉब्लम इनके सामने आ रही थी, और अब बारिश हो गई है तो क्या आराम है या फिर और परेशानियाँ बढ़ गई हैं। हमारे साथ एक भैया हैं। भाई अपना पहले नाम बताइए। अजीत पांडे।
अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, मतलब इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी भैया, ये सब पशु आप ही के हैं ना? तीनों तीनों तीनों। तो ये भैया बताइए कि जब बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे, तो तभी आप लोग ये तो बाहर पशु निकालते रहे होंगे, तो उस समय क्या परेशानी आ रही थी? अभी परेशानी कि घास उस तो एकदम नहीं रहा होगा। नहीं, प्रतिकूल उज्जैन मट्टी पूरा। पूरा सीमाना। अच्छा अच्छा, तो अब बारिश हो गया तो इससे आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है या नुकसान? घास हुई। अच्छा, घास हो जाएगा तो फिर भैंस खाई अच्छा से, दूध दूध फिर अच्छा से है ना? तो मतलब बारिश भइले से कोनो नुकसान तो ना है? नहीं, नहीं। वही क्या। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ गांव के कुछ और लोग हैं और जानते हैं बोला पांडे इन लोगों का क्या राय है, जो कि पशु पक्षी मर रहे हैं और क्या परेशानी आ रही है। बारिश भी नहीं हो रही थी, बहुत दिन के बाद थोड़ा बहुत बारिश हुई है। तो सबसे पहले भैया से शुरू करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। भैया हमारा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं सुल्तानपुर। और ये जो सवाल किए हैं कि पशु पक्षी मर रहे हैं, तो इसके लिए भैया क्या किया जाए? आजकल के ज़माने में ऐसी रासायनिक खादें चल गई हैं, लोग आदमी तो सारा परेशान है ही, साथ में जानवर भी परेशान है उसके। अब क्या कहा जाए, उसके साथ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसके बाद इतना पॉल्यूशन है भैया कि कहा कहिए नहीं कुछ। उसके बाद साला ये है हमारे भोला पांडे जी, ये भी कुछ बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो आप भी बताइए कुछ। सबसे पहले तो भैया देखिए, मैं सबसे यही कहूँगा कि वृक्षारोपण करिए और सभी पशु पक्षियों को बचाइए, और उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा यही रिक्वेस्ट है, सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। हमारे साथ एक भैया और बैठे हुए, इनका भी राय जानते हैं। अरे बोले, हम ना बोला कुछ भैया, अरे हम ना बोला कुछ, हमारे ना बोले। आपका भी गांव है, आपका भी कितना हक है? तो आप लोग बताइए कि इसका कुछ सलूशन क्या हो, कौन इसका सलूशन निकालेगा? क्या सरकार को इस पे काम करना चाहिए, या फिर गांव के प्रधान को काम करना चाहिए, या हमको खुद बाहर निकल के हम लोगों को काम करना चाहिए? सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। और इसके बारे में हर सरकार को भी सोचना चाहिए, जो बाहर हैं चाहे पूरे ऑल इंडिया में जितने लोग हैं, सबको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे भैया ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि हमें किसी का इंतजार नहीं करना होगा, हमें खुद आगे बढ़ के इसके लिए काम करना होगा। भैया आप भी कुछ बोलिए, इसका सलूशन कुछ बताइए। भाई साहब, इसके लिए तो सरकार की मदद जरूरी है, सरकार भी मदद करे और आपसी तालमेल अच्छा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, ग्राम प्रधान की तरफ से प्रोत्साहन मिले कि आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, तो लोग लगाएंगे, जागरूक होंगे। उनको जागरूक करना पड़ेगा कि इसकी वजह से लगाने से ये फायदे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तभी वो लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ बात करने के लिए।